अभी इस टाइम पे मैं इन दोनों ब्लूटूथ हेडसेट में से एक को खुद यूज कर रहा हूं। इससे पहले मैंने जेबीएल का ट्राई किया, सैमसंग का ट्राई किया। जेबीएल वाले की स्टोरी तो बहुत खतरनाक थी। उसमें तो जो प्लास्टिक और जो वायर होता है ना, इस प्लास्टिक के अंदर एक वायर रहती है, तो वो वायर से ये प्लास्टिक ही बिल्कुल अलग हो गया था। सीन कुछ ऐसा था जैसे कि उस वायर ने उस प्लास्टिक से अपना रिश्ते ख़त्म कर दिए। फिर भैया वो उसमें एक बार टेप लगाई, दो बार टेप लगाई, तीन बार टेप लगाई। मैंने कहा इससे ज़्यादा टेप लगा नहीं सकते, उसको मैंने फेंक ही दिया, रिटायर ही कर दिया। फिर मैंने बोट का भी एक ट्राई किया, बोल्ट का भी ट्राई किया, फिर मैंने इन दोनों में से एक को अपने लिए चुना। अभी मैं कौन सा यूज कर रहा हूं इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और जितने पॉसिबल कंपैरिजन होंगे ना वो सारे मैं आपको बताऊंगा। आज का कोई रिव्यू नहीं है, आज का एक यूजर एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से रेड कलर का जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना उसको दबा देना, और हाँ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना भूल जाते हो। तो अभी मेरे पास जो दो डिवाइस हैं, एक है वन प्लस जी, ये जिसमें लगा है, दूसरा है वन प्लस बास एडिशन। नाम इनके काफ़ी लंबे हैं, शॉर्टकट से काम चला लेना। अभी शुरुआत अगर इन दोनों डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी से करें ना, तो नेक बैंड तो दोनों का एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा है। बस ये नॉर्मल वाले में नेक बैंड से जो ईयर पीस पे वायर जा रखी है ये प्लेन है, बिल्कुल प्लेन सी देखिए। और ये जो बास एडिशन वाला है इसमें हल्की हल्की लाइनिंग दे रखी है, ये हल्की हल्की लाइनिंग ये। तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी एकदम बढ़िया। अगर इन दोनों को आप ऐसे फोल्ड करके ऐसे छोटा बना के पॉकेट में रख दो, कहीं भी अपने साथ ले जाओ, कोई इशू नहीं आने वाला, बिल्ड क्वालिटी तो आई एम हैप्पी भाई। अच्छा, ये दोनों ही ब्लूटूथ हेडसेट किसी भी डिवाइस से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो आपके iOS को हो या फिर एंड्रॉयड के हो। नॉर्मल वाले में तो काफ़ी आसान है, इन दोनों को आपको अलग करना है। ये दोनों अलग करते ही यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस बटन को आपको प्रेस करना है, तो ये जो है सर्चिंग मोड में चले जाता है। उसके बाद आप इसको किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कीजिए, और अगर आपको किसी मल्टीपल डिवाइस से भी इसको कनेक्ट करना है तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली स्विच करता है। लेकिन जो बास एडिशन है, इस बास एडिशन में ऐसा नहीं है, इस बास एडिशन में आपको जो है थोड़ा मैनुअली मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, कनेक्ट ये भी बड़ी इजीली किसी से भी हो जाता है, कनेक्टिविटी में इसमें भी कोई इशू नहीं आता। मालूम मैं तो क्या करता हूँ, नॉर्मली ऑफिस में होता हूँ या जब किसी पब्लिक प्लेस में होता हूँ तो ये ऐसे मेरे नक में लगे रहते हैं, ऐसे में तो टर्न ऑफ है। अपने डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन रखना है भैया, और जैसे ही किसी का कॉल आया इन दोनों को सेपरेट किया, या ऑटोमेटिकली फ़ोन से कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद अपनी कॉल पिक करी, उसके बाद जैसे ही कॉल ख़त्म हुई या म्यूज़िक ख़त्म हुआ ऐसे छोड़ दिया, टर्न ऑफ। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, मतलब आपको कोई बटन से ऑन ऑफ करने की कोई टेंशन नहीं, चाहे इसकी बात करूँ ये नॉर्मल वाले की या चाहे बास एडिशन की, तो दोनों ही एक जैसा परफॉर्म करते हैं। अब कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो ये है बास एडिशन वाला और ये है आपका नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाले में अलग से एक पार्ट दे रखा है म्यूज़िक को कंट्रोल करने के लिए, और बास एडिशन में आपके नेक बैंड पे ही सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो बास एडिशन से अगर मैं स्टार्ट करूँ, दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको वॉल्यूम डाउन, फिर ये कॉल कनेक्ट और डिसकनेक्ट का ऑप्शन, फिर ये वॉल्यूम अप का बटन देखने को मिलेगा। इसमें स्टार्ट करूँ मैं तो इसमें सबसे पहले आपको वॉल्यूम अप का बटन, फिर ये कॉल कनेक्ट डिसकनेक्ट या म्यूज़िक चेंज, फिर ये जो है आपका वॉल्यूम डाउन का बटन। इन दोनों में ही अगर आप इस बीच वाले बटन को दो बार प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट वाला म्यूज़िक आपका प्ले हो जाता है, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं। और तीन बार अगर आप प्रेस करेंगे तो जो प्रीवियस वाला म्यूज़िक है वो आपका प्ले हो जाएगा, अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं। अभी ये जो आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये नॉर्मल वाले ब्लूटूथ से, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस ब्लूटूथ से जब आप किसी से बात करेंगे तो किस टाइप की कॉल क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बाकी भारत माता की जय। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम वन प्लस बास एडिशन के ऊपर। अभी जो साउंड आ रही है आपको इसी ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू आ रही है, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप की कॉल क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसमें भी हम कहेंगे भारत माता की जय। तो गाइस कॉल क्वालिटी आपने सुन ली, जो नॉर्मल वाला एडिशन है उसमें वॉइस थोड़ी फेडेड सी जाती है, दबी दबी सी जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है दूसरे बंदे को कि भैया क्या बोल रहा है बंदा। लेकिन जो बास एडिशन है उसमें साउंड बिल्कुल क्रिस्प
क्लियर जाती है, दूसरा बंदा आसानी से समझ जाता है आप क्या मैसेज उसे कन्वे करना चाहते हो। अब आते हैं साउंड क्वालिटी के ऊपर। तो ये जो नॉर्मल एडिशन है इसमें आपको बास, बीट्स, हर चीज़ डिसेंट देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें कई लोगों की शिकायत थी कि उनको ना बास उस लेवल का नहीं मिल पा रहा था जो एक्चुअल में होता है ना, कि गाना ऐसे बजे तो धुम धुम का साउंड आए, वो इसमें थोड़ा फेडेड से था बास। फिर वन प्लस ये लेके आया नया चमत्कार बास एडिशन। इसमें बास उतना तकड़ा तो नहीं है, लेकिन जो अमाउंट आप इसके लिए पे कर रहे हैं 2000 रुपये, उसके हिसाब से बहुत अच्छी बास आपको इस ब्लूटूथ हेडसेट में देखने को मिलती है। इसमें सिंगल ड्राइवर है, इसमें ड्यूअल ड्राइवर, मतलब ड्यूअल ड्राइवर तो नहीं है लेकिन उसके जैसे ही, उसी को सिंगल ड्राइवर को ही इनहेंस कर रखा है। अगर आप एक म्यूज़िक लवर है, गाने सुनना आपको ज़्यादा पसंद है, तो फिर ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चॉइस हो सकता है इसके कंपैरिजन में नॉर्मल वाले के। ये बैटरी बैकअप देता है आपका 17 घंटा एक बार चार्ज होने में, और ये जो चार्ज होता है आपका टाइप सी पोर्ट दे रखा है इसमें, और ये जो नॉर्मल वाला है इसमें भी टाइप सी पोर्ट दे रखा है, लेकिन नॉर्मल वाले एडिशन का बैटरी बैकअप बहुत दमदार है, ये 20 घंटा चलता है और ये 17 घंटे चलता है। बट फिर भी मैं जो है बास एडिशन को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें बास की क्वालिटी, म्यूज़िक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। पहला क्योंकि मैं म्यूज़िक लवर हूँ, दूसरा ड्यूरेबिलिटी, हालांकि ड्यूरेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पर नॉर्मल वाले एडिशन में ना ये अलग से पार्ट दे रखा है। अब गलती से कभी ये कट गया, फट गया, कुछ भी हो गया, तो भैया ना तो मैं गाने सुन पाऊंगा ना मैं किसी की कॉल पिक कर पाऊंगा अगर ये वाला सेक्शन कट गया। लेकिन इसमें यही कटेगा तो भाई बाकी दूसरा तो काम करेगा। तीसरा, इसमें कॉल की क्वालिटी बास एडिशन में इसके कंपैरिजन में अच्छी है। हालांकि इसके भी काफ़ी फायदे हैं, इसका आपका 20 घंटे का बैटरी बैकअप है, दूसरा आप इजीली इसको मल्टीपल डिवाइस में स्विच कर सकते हैं, दोनों चार्ज करो आप 10 मिनट तो आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, बाकी दोनों का प्राइस सेम है। तो गाइस ये था एक फुल ऑन यूज़र एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। मैंने बता दिया मैं इसको क्यों यूज़ करता हूँ, बाकी आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो ये आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है, और अगर आप म्यूज़िक, कॉल या एक बार के लिए ड्यूरेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं तो फिर वन प्लस बास एडिशन आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकता है। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर से वही बात कहूँगा कि रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के जाना भाई। बाकी मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।